योगी सरकार भले ही बेटियों की सुरक्षा को लेकर लगातार लाख दावे कर रही हो, लेकिन आए दिन महिलाओं के साथ हो रही वारदातों के बाद इन दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताज़ा मामला फरुखाबाद के शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां मोबाइल से छात्रा के फोटो निकालकर दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने ब्लैकमेल कर लाखों रुपए के जेवर भी हड़प लिए और अब दोनों युवक छात्रा को ब्लैकमेल करके 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते छात्रा ने दोनों युवकों पर थाने में तहरीर दी है और युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं छात्रा ने बताया कि वो पड़ोसी युवक के घर पर मोबाइल चार्ज करने के लिए लगा आई थी। युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर छात्रा के मोबाइल से उसके फोटो निकाल लिए और फिर दोनों युवक छात्रा को फोटो दिखाकर ब्लैकमेल कर छेड़छाड़ करने लगे। एक दिन दोनों युवक उसके घर पर आए और खाने की चीज में नशीली दवाई मिलाकर दादी को खिला दी। इसके बाद दोनों युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म कर 4 लाख के जेवर अलमारी से निकाल लिए और 10,000 रुपए भी धमका कर ले लिए। दोनों युवक अब फोटो वायरल करने की धमकी देकर 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। मामला ये है कि मेरे ताऊ जी के बेटे थे, मैंने उनके यहाँ पे लाइट खराब होने के चक्कर में मैंने उनके यहाँ पे फोन चार्जिंग पे लगाया था। फोन चार्जिंग पे लगाने के बाद भाई ने फोन पकड़ लिया। फोन पकड़ने के बाद में मतलब फोटो वगैरह उसमें चार्ज थी, वो ब्लैकमेल करते थे कि ये करूँगा वो करूँगा, फोटो वायरल कर दूँगा, वीडियो वायरल कर दूँगा, और धमकी देते थे, पैसों की धमकी देते थे, गहनों की धमकी देते थे। धमकी देने के बाद में उससे 10,000 रुपये भी निकलवा लीजिए, फिर गहने भी निकलवा लीजिए और फिर भी धमकी देते हैं 2 लाख रुपये और। थाना शमशाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला के साथ 2 व्यक्तियों ने बलात्कार किया है। तुरंत से उसका संज्ञान लेकर तुरंत से जो पीड़िता थी उसको संपूर्ण सहयोग प्रदान करके इसके अंतर्गत उचित धाराओं के अंतर्गत थाना शमशाबाद क्षेत्र के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पुलिस ने पीड़ित छात्रा की तहरीर के आधार पर दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।